हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू न्यू। मेरा नाम है निया और आप सबका स्वागत है आज के इस प्यारे से व्लॉग में। जैसा कि आप व्लॉग के टाइटल से समझ ही गए होंगे कि आज का है मेरा व्लॉग सुबह से लेके दोपहर तक का है, जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ कि कैसा होता है मेरा परफेक्ट डे इन माय लाइफ। तो परफेक्ट डे मेरा स्टार्ट होता है ऑब्वियसली जब हम डिसाइड करते हैं कि हम सुबह 5 बजे उठेंगे और 5 बजे ही उठ जाते हैं विदाउट लाइक स्नूजिंग, या फिर 10 मिनट और सोना है और विदाउट फीलिंग लाइक यार आई एम फीलिंग सो लो एनर्जी। तो मोस्टली मैं जब भी सुबह उठती हूँ तो भजन जो है वही है मेरा अलार्म, भजन लगाती हूँ मैं और फिर उसको चलने देती हूँ और उसको बाहर ले आती हूँ। वही नहीं है कि उसको बंद करके दोबारा से नहीं लेटती हूँ कि 5 मिनट और ले जाती हूँ और सीधा मैं बाहर आती हूँ। और आज इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, एक बहुत एकदम मज़ा आ गया। और मेरा मन कर रहा था अगर मुझे अगर मैं एक वर्किंग लेडी नहीं होती और नहीं काम करना होता ना तो मैं यहीं लेट जाती थोड़ी देर और आराम करती। बट क्या कर सकते हैं, आई एम वर्किंग लेडी, वर्किंग वुमेन, वर्किंग मॉम। और जी हमको सुबह सुबह मोस्ट ऑफ द वर्क अपना काम करके और फिर जाना होता है। सुबह बाहर जाके ये अब मैंने एक अपना नॉन नेगोशिएबल बना लिया है कि मैं डीप ब्रीदिंग करती हूँ। मैं बाहर जाके कर रही हूँ डीप ब्रीदिंग, कम से कम 5 मिनट मैं आराम से डीप ब्रीदिंग करती हूँ एकदम शांति से, जितनी लंबी सांसें हो सकती हैं रोकती हूँ और फिर उससे बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपको भी कोई भी ब्रीदिंग वाला इशू है तो ये ज़रूर करना चाहिए, थोड़ा सा लंबे टाइम भी कर सकते हो। मैं अभी 5 से 7 मिनट ही करती हूँ, डिपेंड्स ऑन माई टाइम। उसके बाद मैं अंदर आ गई हूँ और मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ, ब्रश वगैरह कर लिया है और थोड़ा सा ड्राइनेस हो गई थी क्योंकि मेडिसिंस वगैरह ली हैं, मैं पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी इसलिए तो उससे ड्राइनेस आ गई है, तो होंठ जो है वो कई बार ड्राई हो जाते हैं। तो मैं जब भी अपना ब्रश करती हूँ ना, ब्रश जो हमारा टूथपेस्ट है वो भी ड्राई कर देता है लिप्स को, तो उसके बाद लिप बाम ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मामाअर्थ वाला जो मेरा लिप बाम है जो थोड़ा सा पिंक टिंटेड भी है, थोड़ा सा एकदम पुट टुगेदर लगता है, तो वो वाला यूज़ किया है। उसके बाद सीधा मेरा काम है कि मुझे चाय कॉफ़ी पीने से कम 2 ग्लास पानी पीना होता है। और पानी जो है अभी भी मुझसे सुबह सुबह नहीं पिया जाता पर मैं कोशिश करती हूँ, तो 1 ग्लास तो मेरा ये हो जाता है जिसमें मैं अपने ड्राई फ्रूट्स भिगो के फ्रिज में रखती हूँ, तो ये ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है। और ये आधा भर के तो मैं 1 ग्लास लेके जाती हूँ, लेकिन ये 1 ग्लास मुझसे कभी नहीं पिया जाता, तो आधा ग्लास पानी मैं पीती हूँ, थोड़ा सा गुनगुना पानी। और सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि गुनगुना पानी पीऊँ और फिर मैं ठंडा पानी पीती हूँ। और अब मैं बैठ के कर रही हूँ जर्नलिंग। जर्नलिंग डिपेंड करता है मेरा मूड क्या है उसके ऊपर ही मैं करती हूँ, लेकिन मैं जर्नलिंग ज़रूर करती हूँ क्योंकि जब हम जर्नलिंग करते हैं तो हम अपने माइंड को ना रीवायर कर रहे होते हैं। आप जर्नलिंग डिफरेंट तरह की कर सकते हैं, आप कोई जर्नल प्रॉम्प्ट कर सकते हो, कोई एक सवाल लिख सकते हो हर रोज़। अगर आप थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हो तो आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, ठीक है। सिंपल आप भगवान का नाम भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, या फिर मॉर्निंग पेजेस लिख सकते हो, ठीक है, जो आपका मन करे। बट करना चाहिए सुबह सुबह, थोड़ा सा ना इससे आपका माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है और एक पॉजिटिव माइंडसेट हो जाता है, जितना भी कल की प्रॉब्लम्स थी उन्हीं पे दोबारा सोचने नहीं बैठता है माइंड और एक नए दिन की नई सी शुरुआत होती है और नया माइंडसेट स्टार्ट होता है कि आज का नया दिन है, फ्रेश दिन है, तो उसी को नए सिरे से शुरुआत करते हैं हम भगवान का नाम लेके। उसके बाद मैं बनाती हूँ अपनी टू डू लिस्ट, क्योंकि देखो जी परफेक्ट डे का मतलब है कि हम अपने लिए बनाएं कुछ अच्छे से गोल्स और फिर उन गोल्स को करें अचीव। मैं अपनी टू डू लिस्ट में 3 पार्ट्स में बनाती हूँ, होम, जॉब और रिलेशनशिप या फिर सेल्फ केयर, डिपेंड करता है किस दिन किस चीज़ की ज़रूरत है। और सभी में मैं लिखती हूँ 2-2 काम या फिर कई बार किसी में 1 काम, मान लो घर की सफाई ज़्यादा करनी है तो उस दिन 3 से 4 काम घर वाले हो जाते हैं। और फिर उन पे स्टार लगाती हूँ कि भले ही 1-2 काम छूट भी जाए लेकिन जिन पे मैं स्टार लगाती हूँ वो काम ज़रूर होना चाहिए। 1 या 2 काम पे लगाती हूँ स्टार कि और काम भले ही रह जाए लेकिन ये है मेन काम तो ये ज़रूर होना चाहिए। जैसे आज ये वीडियो शूट करनी थी तो ये काम ज़रूर होना चाहिए भाई, ये इम्पोर्टेंट था, दैट्स वाई। और उसके बाद मैं आती हूँ सीधी बाहर अपने प्यारे प्यारे प्लांट्स को वाटरिंग करने। हमारे यहाँ बारिश अभी भी नहीं हुई है, उतनी अच्छी नहीं हो रही है तो इसलिए इनमें पानी जो है वो अभी हर रोज़ ही देना पड़ता है मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम।
फ्लावर्स जो है बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं। अपने सारे प्लांट्स को अच्छे से पानी दे दिया है मैंने, और बस उसके बाद सीधा अंदर चली जाऊंगी। और अंदर जाके ऐसे मैंने सोचा था कि मैं एक्सरसाइज इंक्लूड करूं, थोड़ा बहुत मैंने इंक्लूड किया भी था, बट उसके बाद मेरी जो है वो तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई थी और वो छूट गया। फिर जब आप कोई आदत नई नई स्टार्ट करते हो और ऊपर से बीमार हो जाते हो तो आदत बिल्कुल ही छूट जाती है। अगर कोई आदत ऐसी हो ना जो आप पहले भी कंटिन्यू कर रहे थे तो वो कंटिन्यू रखना आसान होता है। बट मैंने ये प्रॉमिस किया है खुद को कि इस साल मुझे अपने रूटीन में लेके आना है फिजिकल एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, और वो मैं करके ही रहूँगी। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मेरे मॉर्निंग रूटीन में होगा कम से कम 10 मिनट से 20 मिनट मुझे मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी ही करनी है। सो लेट्स सी कितना कर पाती हूँ, बट आई एम गोइंग टू डू दैट। और उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में, और किचन में मैं कर रही हूँ कुकिंग। विहान का लंच तैयार करना है, उसको स्कूल जाना है और मुझे भी जाना है, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे सोयाबीन वाले नमकीन राइस। ये सोयाबीन कई दिन से रखी हुई थी और उसके बाद हो सकता है ख़राब हो जाती, इसलिए क्योंकि विहान को पसंद नहीं है और हम दो मम्मी बेटा ही रहते हैं, तो ऐसे में होता क्या है ना कि जो चीज़ बच्चा नहीं खाता है ना, मैं स्पेशल अपने लिए नहीं बना पाती हूँ वो चीज़, कि मैं अपने लिए अलग से क्या ही बनाऊँ, जो वो बनाया हुआ है जो उसको पसंद है वही खा लेती हूँ। तो फॉर दैट कोई चीज़ अगर उसको नहीं पसंद है, वो भले ही खरीद रखी हो, कई बार वो चीज़ ख़राब हो जाती है ऐसे ही और बन नहीं पाती है। बट आज मैंने ये बनाया है इसलिए इसमें जैसे आलू वगैरह भी डाले हैं, तो जो सोयाबीन वाला पार्ट है वो सिर्फ मैं खा लूँगी और बाकी पार्ट वो खा लेगा, तो 2 in 1 हो जाएगा। सुबह सुबह मैं यहाँ पर सुन रही हूँ डॉक्टर जो डिस्पेंजा का पॉडकास्ट है, उन्होंने मतलब लेक्चर दिया था। ये इट्स नॉट अ पॉडकास्ट, इट्स जस्ट हिज काइंड ऑफ अ लेक्चर। तो खाना वगैरह बना के यहाँ पर मैं बहुत चीज़ें फास्ट फास्ट करनी होती हैं कई बार सुबह सुबह ना, बहुत ज़्यादा एक एक मिनट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो मैंने खाना पैक वगैरह कर दिया, उसके बाद मैंने विहान को रेडी किया और उसको स्कूल भेज दिया। तो आज थोड़ा सा मेरे पास आधा घंटा एक्स्ट्रा है सुबह। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे भागना होता है पीछे पीछे ही, जैसे विहान जाता है उसके बाद 40 मिनट ही होते हैं मेरे पास, बट आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो मेरा काम जॉब से आने के बाद का होता है वो मैं अभी निपटा देती हूँ। तो इसलिए मैं अपना झाड़ू पोछा, सॉरी झाड़ू नहीं क्योंकि मोस्टली क्लीन है, लेकिन पोछा और डस्टिंग आज मुझे करनी है। तो मुझे था कि स्कूल से आके मैं कर लूँगी, बट अभी टाइम है तो मुझे लगा आधा घंटा ही लगेगा, छोटा सा मेरा घर है, तो मुझे लगा ये काम मैं निपटा देती हूँ। इसलिए मैंने फटाफट से डस्टिंग की जितना भी एरिया जो है उस पर, और मैंने आपको बताया ही था कि घर जो है वो ऑलमोस्ट साफ है, बस थोड़ा सा जो आगे आगे है वहाँ पे मुझे पोछा लगाना था, इतना डीप क्लीनिंग नहीं करनी है। तो मुझे हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे इस पोछा लगाने में, उसके बाद आने के बाद मेरा टाइम बच जाएगा, मुझे एक वीडियो शूट करनी है, तो सिट एंड टॉक है नॉर्मल, तो वो मैं कर दूंगी। और इसके बाद मेरा सिर्फ काम बचता है नहाने का, और जैसे ही मेरा पोछे का काम फिनिश होता है मैं नहाने चली जाऊंगी, और नहाने के बाद आई जस्ट हैव टू गेट रेडी, सो उसके बाद मैं रेडी होने चली जाऊंगी। दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज इन पार्टनरशिप विद मामा अर्थ। नहाने के बाद आप सबको पता है इफ यू नो मी कि मुझे अच्छा स्मेल करना, अच्छी फ्रेग्रेंस कितनी ज्यादा पसंद है। एज अ वर्किंग वुमेन हम ना सुबह 7:30 बजे घर से निकलते हैं और 3:30 बजे हम वापस आते हैं, तो आपको पता होगा इंडिया के वेदर में एक अच्छी फ्रेग्रेंस की परफ्यूम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आप भी वर्किंग हो और आपको बाहर रहना है पूरे दिन, तो स्टाफ के साथ अगर आप हो, मीटिंग कर रहे हो आप, ऐसे में इंडिया के वेदर में पूरा दिन एक लॉन्ग लास्टिंग माइल्ड और अच्छी फ्रेग्रेंस आना आप में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मामाअर्थ की तरफ से ये दो परफ्यूम, वन इज इन टू द सनसेट एंड सेकेंड इज इन टू द वैली, एंड बाई गॉड दे स्मेल अमेजिंग। हैशटैग एस्केप इन टू नेचर, इनकी जो फ्रेग्रेंस है दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द नेचर एंड इन टू द सनसेट इज वन ऑफ माई फेवरेट। तो दे आर रियली माइल्ड, बहुत ही प्यारी सी स्मेल है इनकी, बहुत माइल्ड है, बहुत स्ट्रांग नहीं है कि कई लोगों को होता है ना कि स्ट्रांग स्मेल उनको पसंद नहीं होती है, बट दे स्मेल रियली नाइस एंड लॉन्ग लास्टिंग है। आप सुबह जब तैयार होते हैं ना 7-8 बजे के आसपास, तब आप इसको अप्लाई करो एंड
बिलीव मी यूर गुड टू गो इंटायर डे, यू गोइंग टू स्मेल रियली अमेजिंग. अच्छा ये सर्टिफाइड है एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो आपकी स्किन के लिए सेफ है. भले ही आपकी स्किन का टाइप कुछ भी हो, आपको कोई भी रैशेज या इरिटेशन बिल्कुल नहीं होने वाली है. एंड एवरी डे यू नो यू कैन अप्लाई दैट. और सबसे जरूरी चीज पता है, इतना रिलैक्सिंग है ना, इसको अप्लाई करने के बाद यू कैन एक्चुअली फील लाइक यू आर इन द वैली ऑफ फ्लावर्स. इनको अप्लाई करने के बाद मुझे एक्चुअली अपने स्टाफ से, अपने कुलीग से ये कमेंट मिले हैं, ये कॉम्प्लीमेंट मिले हैं कि आप बहुत अच्छा स्मेल कर रहे हो, कौन सा परफ्यूम लगाया है. सो यू कैन ट्राई दैट, एक्सपीरियंस द स्मेल, हैशटैग एस्केप इनटू नेचर. अगर आपको ये परफ्यूम खरीदने हैं, यू कैन बाय फ्रॉम मामाअर्थ वेबसाइट और ऐप, तो आप मेरा कूपन कोड HUDDA2024 यूज कर सकते हो एंड यू कैन गेट 20% ऑफ. इसके साथ ही अगर आप दूसरे ऑनलाइन आउटलेट जैसे अमेजन, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल से बाय करना चाहते हो, तो उसके भी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. मामा अर्थ ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन, यानी कि आपके आसपास की दुकानों पर, स्टोर्स पर भी उपलब्ध है, वहां से भी आप बाय कर सकते हो. मामा अर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस इनसाइड एंड दिस गुडनेस डजंट जस्ट लाई इन द प्रोडक्ट बट ऑल्सो द वैल्यू दैट दे स्टैंड फॉर. प्लांट बेस्ड इनिशिएटिव जो है मामा अर्थ का, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर टू द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट. बाय 2025 मामा अर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव. इसके साथ ही मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है, मीन्स दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज. और उसके बाद एक और यूज आप अपना बेस्ट परफ्यूम का कर सकते हो, वो है कि आप अपने अरोमा डिफ्यूजर में 1 or 2 स्प्रे इसको मिलाइए एंड बिलीव मी आफ्टर दैट मेरा पूरा जो बेडरूम था ना वो रियली एक फ्लावर कि जैसे मतलब स्मेल कर रहा था, पूरा मेरा घर जो है इतना प्यारा महक रहा था. और उसके बाद मैं हो गई हूँ रेडी और अब भागते हैं जी अपना बैग लेके. पता है ये मेरे साथ ही होता है, ये आपके साथ भी होता है अगर आप एक वर्किंग लेडी हो तो. मतलब कितना ही टाइम हो, भले ही ये हो कि किसी दिन हमारा स्कूल 1 घंटा लेट लग रहा है, 2 घंटा लेट लग रहा है, फिर भी निकलते निकलते आपको 5-7 मिनट लेट होना ही होना होता है. और जो टाइम एग्जैक्ट होता है उससे 2-3 मिनट लेट ही पहुँचते हो. और जब तक आप घर से निकलते हो ना तो ऐसा हो जाता है यार कि मतलब फिर से मैं 2 मिनट लेट हो रही हूँ, अरे अरे भागो. और ऐसा लगता है कि अरे हाँ कल तो 1 घंटा लेट जाना है, तो आराम से जाएंगे, 1-2 काम एक्स्ट्रा भी कर लेंगे. बट बाय द टाइम आपका वो निकलने का टाइम होता है, निकलना वही है भागम भाग में और निकलना वही है कि 2-3 मिनट लेट हो गया. मेरे साथ हमेशा होता है ऐसा और मैंने अपनी मम्मा को भी देखा है ऐसा ही कि लेट हो गई, अरे मैं तो यहीं पे लेट हो गई 5 मिनट. सो आई डोंट नो व्हाई बट मेरे साथ ऐसा बहुत है. तो मैंने अपना कवर कर लिया है अपना फेस, भले ही आपने सनस्क्रीन लगाई हो बट फिर भी अपना फेस वगैरह कवर करके चला करो, क्योंकि आज सुबह सुबह ही बहुत मस्त वाली धूप निकली हुई है. भले ही बारिश का मौसम हो, हमारे यहाँ कोई बारिश वाला कुछ नहीं चल रहा है, बहुत मस्त वाली गर्मी पड़ रही है. तो अपना लोक वगैरह ले लिए हैं, सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दिया है, सब कुछ टाइडी अप वगैरह कर दिया है, ताकि आने के बाद थोड़ा सा सिंपल चाय बना के मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ. इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम काम जो है वो सुबह सुबह ही बना के चलूँ. और मेरा माइंड सेट है कि मुझे सुबह ये काम फिनिश करना होता है और शाम को आके ये काम करना होता है, जिससे ना थोड़ा सा एक वो आपका पूरा रूटीन है ना जो वो ऑटोमेटेड जैसा हो जाता है. फिर आपको हर चीज़ प्लान नहीं करनी होती कि मुझे कल क्या करना है, परसों क्या करना है. बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं कि हाँ मॉर्निंग में ये निपटाना है, फिर दोपहर को ये काम निपटाना है इतने बजे से इतने बजे के बीच में और शाम को ये काम निपटाना है. तो अभी स्टार्ट कर देते हैं अपनी स्कूटी और चलते हैं. और पता है भले ही बारिश ना आई हो बट ये मौसम ऐसा है ना, लाइक पूरा जितने भी पेड़ है ना इतना ब्यूटीफुल कलर हो गए हैं, इतना प्यारा डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन पूरा रास्ता, एज यू कैन सी इतनी घास उग गई है. बारिश भले ही हमारे यहाँ पे 3-4 बारी हुई है पर लेकिन पूरा दोनों रोड के तरफ बहुत घास और इतनी ग्रीनरी हो गई ना, लाइक आई लव दैट. भले ही गर्मी है बट ऐसा लगता है लाइक इट्स अ लॉन्ग राइड और मज़ा आता है यार ड्राइव करने में. उसके बाद मैं अपने स्कूल चली गई थी और आते हुए मुझे लेनी थी सब्जी. उसके बाद ये सीधी क्लिप आते हुए की, देखो इससे आगे ना कई बार पुलिस वगैरह मिल जाती है तो ऐसा फ़ोन मैं हाथ में लेके शूट नहीं कर सकती. कई बार अगर पुलिस वाले ना हो तो भले ही थोड़ा बहुत शूटिंग वगैरह हो जाती है. तो उसके बाद मुझे फ्रूट्स लेने थे,
तो अमरूद यहाँ पे आए हुए हैं छोटे छोटे से। मैं पूछ रही थी भैया से कि भैया कीड़े वाले तो नहीं है, क्योंकि इस मौसम में ना मोस्टली हर फ्रूट ऐसा आ जाता है कि उसमें कीड़े वगैरह हो सकते हैं। तो मैंने थोड़े से अमरूद लिए हैं और बनाना लिए हैं। मैंने बनाना कई महीने बाद दोबारा खरीदे हैं, पहले मैं बनाना खाती थी तो ना वो कई महीने अगर आप रेगुलर खा लो ना तो एकदम मन भर जाता है। तो हम दोनों मामा बेटा का ऐसा ही हो गया था। तो अभी जब मैंने लास्ट टाइम बनाना लिए थे तो 65-70 का कुछ रेट चल रहा था, फिर भयंकर वाली गर्मी आ गई थी। तो भले ही आप लेके आओ और उसके बाद ना वो एक दो दिन में खत्म मतलब खराब हो जाते थे, तो इसलिए मैंने बंद कर दिए थे लाने। और आज मैं लाई हूँ तो मुझे पता चला 100 रुपये के एक दर्जन आया है। आई एम लाइक शॉक्ड, लाइक रियली, सिर्फ 2-3 महीने ही मैंने नहीं लिए और 100 रुपये हो गए भाई। बहुत महंगाई चल रही है सच में, इतना फास्ट ग्रो कर रहे ना, पता नहीं ये कोई सीजन है जिसमें बनाना भी 100 रुपीज के हो गए हैं। आपके यहाँ पे क्या रेट है मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ। तो उसके बाद मैं वापस आ गई हूँ घर पे, और कई बार आते हुए ना ट्रैफिक मिल जाता है तो थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं कि मुझे चाय वगैरह बनाने का टाइम नहीं मिलता। कई बार टाइम पे आ जाते हैं हम। ये बहुत ही प्यारा सा छोटू सा एक वो है, क्या बोलेंगे इसको, गमला, जो मेरे नीचे जो नेबर है उन्होंने रखा हुआ था, मुझे बहुत प्यारा लगा। उनको बहुत शौक है प्लांट्स का, इसलिए उनके बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। तो कई बार छोटे वो मोटे फ्लावर्स वाले होते हैं ना, मैं ले लेती हूँ वहाँ से फ्लावर्स। और देखो मुझे आते आते पूरा मतलब 2:30 बजे से ऊपर हो गया है टाइम। आज थोड़ा बहुत ट्रैफिक मुझे मिल गया था। आके अपना फ्रूट्स रखूंगी। ये आदत जो है इसने मेरी बहुत हेल्प की है मेरे घर को टाइडी अप रखने में, कि मैं आते ही ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बेडरूम में ले जाके टेबल पे रख दूं और फिर उन चीज़ों को उठाने के लिए अलग से उठूं। हालांकि इस टाइम मुझे इतनी गर्मी लगती है ना, इतनी गर्मी, इस लाइक सुपर हार्ड, और मेरा मन करता है सब कुछ चीज़ें फेंक के एसी चला के मैं बस लेट जाऊं। क्योंकि एक तो 2 फ्लोर चढ़ के आती हूँ ना, तो उसमें भी थोड़ा बहुत एकदम ऐसे हाँफने जैसा हो जाता है, और पूरा ड्राइव करके आओ और इतनी गर्मी में फेस वगैरह कवर करना होता है ना, तो उसमें और भी थोड़ा सा सांस जो है वो लेने में दिक्कत होती है। बट फिर भी थोड़ी सी हिम्मत करती हूँ कि इतनी देर अगर कर ही ली है, इतनी हिम्मत अगर कर ही ली है तो कुछ नहीं जाता 2 मिनट और में, और चीज़ों को उनकी जगह पे रख देती हूँ मैं। तो उसके बाद मैंने एसी चलाया है, जब तक एसी ऑन होगा मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा टीवी चला लूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने घर में जब मैं आती हूँ और जब मैं बिल्कुल ये ना हो मेरा प्रोग्राम कि मुझे शांति में बैठना है, मैं अपना टीवी ऑन रखती हूँ। आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक कॉन्टिन्यूअसली थोड़ा सा आदत सी हो गई है कि हाँ बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक वगैरह चल रहा है। और मैं यहाँ पे ऑन कर देती हूँ GPS विहान की बस का, ताकि मुझे पता चले कि उसकी बस कहाँ आ गई है। बेसिकली उसका भी ये है कि छुट्टी जो है हमारी सेम टाइम पे होती है। द ओनली डिफरेंस इज उसका स्कूल दूर है और मेरा जो स्कूल है वो 5 मिनट तो नहीं लेकिन 7 मिनट से 10 मिनट और कई बार 15 मिनट भी, डिपेंड ऑन द ट्रैफिक, इतनी ही दूर है। तो आज जो है थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह की, मैंने फ्रूट्स वगैरह लिए तो थोड़ा सा लेट हो गई, इसलिए मैंने यहाँ पे GPS ऑन कर रखा हुआ है। और जैसे ही मैं घर आई मेरी सिस्टर का फोन आ गया, तो मैंने ईयरफोन लगाए हुए हैं क्योंकि मुझे GPS भी देखना है कि उसकी बस कहाँ आ गई, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बस नीचे आ जाए। तो अभी टाइम था लेकिन इतना टाइम नहीं था कि मैं अपने लिए चाय बना लूँ, तो मुझे लगा चाय तो मैं तभी बनाऊंगी जब वो आ जाएगा। तब तक मैं अपना हैंड वॉश कर लेती हूँ, फेस वॉश कर लेती हूँ और अपने सिस्टर से बात कर लेती हूँ कि उसको, हम दोनों को मतलब उसने अगर इस टाइम कॉल किया है उसे पता होता है, एंड वो अपनी ड्यूटी पे ही है अभी, वो घर नहीं आई, वो मोस्टली 4 बजे पहुँचती है तब हम बात करते हैं। बट अगर उसने कॉल किया है तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैंने उठा लिया। और विहान आ गया है और ये देखो उसकी पूछ लटक रही है बेल्ट की। और मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं की अपनी क्योंकि इतने में ही उसकी बस आ गई थी नीचे। ट्रैकर से देख लेते हैं हम, बहुत हेल्प होती है अगर बस में GPS ट्रैकर हो और उसका लिंक शेयर वगैरह हो तो सुबह भी बहुत हेल्प हो जाती है। हम देखते रहते हैं कि बस कहाँ पर है, उस हिसाब से ही रेडी करते हैं। और विहान को आते ही ना मतलब ये हो जाता है कि मम्मा आई नीड टू सी समथिंग, डू यू हैव एनी सरप्राइज़ फॉर मी, आपने मेरे लिए कुछ खरीदा है। तो आज मैं उसके लिए चिप्स लेके आई थी। भाई बच्चे हैं, यू नो, बचपन नहीं जाएगा उनका, आई मीन जाना भी नहीं चाहिए, मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी फॉर दैट, जाना भी नहीं चाहिए, शरारतें रहनी चाहिए बच्चों की। और यही सबसे अच्छी चीज़ होती है कि एक 9-10 साल का बच्चा
उसी एज की एक्टिंग करे। कई बार आप लोग बोलते हो ना कि विहान जो है बहुत शरीफ और बच्चे लाइक सीरियस लगता है, बट हाँ उतना सीरियस नहीं है। शरीफ मैं बोल सकती हूँ कि उतना शैतान नहीं है, बट उतना सीरियस भी नहीं है, बच्चा है तो बच्चे जैसी हरकत करता है। हाँ, इसको आते ही ये हो जाता है, आई डोंट नो वाई, जब भी किसी बच्चे दूसरे बच्चे के साथ बैठता है ना, तो पता नहीं क्या हो जाता है कि मम्मी मेरे साथ जो बच्चे बैठते हैं उनमें से स्मेल आती है। अब ऑब्वियसली सीजन इतना गंदा चल रहा है तो पसीने की स्मेल बच्चों में हो जाती है, और इसको वो स्मेल आती है तो इसको लगता है कि मम्मी उसकी स्मेल मुझ में घुस गई होगी, तो आते ही अपने सारे कपड़े निकाल देता है और नहाने चला जाता है, और नहाने के बाद कपड़े बदल के उसके बाद शांति से बैठ के कुछ भी खाता है। और आज इसके स्कूल में कैंटीन डे था तो ये पैसे लेके गया था और टिफिन ऐसे कैसे वापस आया हुआ है, फ्रूट भी नहीं खाए हुए, एंड आई एम लाइक रियली डिसअपॉइंटेड। क्यों, जिस दिन बच्चे खाना नहीं खाते ना उस दिन बहुत डिसअपॉइंटेड फील होता है, किसी किसी दिन पूरा टिफिन फिनिश मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैसेज आया जी हमारे पास कि हमारे यहाँ पे बारिश होने वाली है। सैडली जब तक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अगले दिन कोई बारिश नहीं आई, इनफैक्ट बादल भी नहीं आए भाई, और हमें मैसेज कर रहे हैं मौसम विभाग वाले की बारिश आएगी, थंडर स्ट्रोम। कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं आया, बादल भी नहीं आया। अब मैं ये मैसेज देख के ना खुश हो गई थी कि अगले 3 घंटे में बारिश आने वाली है, बट कुछ भी नहीं आया। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि चलो मौसम सुहावना होगा, पार्क में घूमने जाएंगे और नहीं तो छत पे तो घूम ही लेंगे, बट भयंकर वाली गर्मी है, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने, आपने ये चिया सीड पुडिंग और ओट्स जो है सुबह नहीं खाए थे, तो अभी मैं इसको खा रही हूँ और साथ में चाय बना के लेके आई हूँ, और साथ में मैं अपना चिया सीड वाटर लेके आई हूँ, जो कि मैं दो बोतल वाटर ज़रूर पीती हूँ। और ये है, मैं रेडी हो गई हूँ, मुझे वीडियो शूट करनी है, तो खाना पीना अपना खा के अपना सेटअप लगा रही हूँ और उसके बाद मैं अपनी वीडियो शूट करने वाली हूँ। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भैया एक लाइक दे दो, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर आप मेरे व्यूअर हो तो। और हाँ, आई नो कि पिछले 2 महीने से बहुत कम वीडियोस जा रही हैं, बट बिलीव मी आई एम रेडी विद अ लॉट ऑफ कंटेंट, एंड कोशिश मैं पूरी करूंगी कि आने वाले महीनों में मैं बहुत सारा कंटेंट डालूं। तब तक के लिए मैं आपसे, लाइक यू आर वन ऑफ द बेस्ट ऑडियंस आई हैव, जो मेरा लाइक इतना इनकंसिस्टेंट हूँ मैं, फिर भी मुझे फुल सपोर्ट करते हो, मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, आई रियली रियली फील ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल वेरी वेरी मच, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। और अपना ध्यान रखना, मौसम बीमारी वाला है, बीमार मत पड़ना। और या दैट्स इट, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।